अच्छा चाय तो पी लें खाला, मुंह ठीक हो जाएगा। ये चाय जाके ना अपनी सगी शाकरा खाला को पिला दो। शाकरा खाला तो नहीं पी सकती, वो सो रही है ना। वही तो, अलग कमरे में ठहराओगे, पलंग पे सुलाओगे तो चैन की नींद तो आएगी ना। हट नजर। रजिया बाजी, एक बात तो बताओ मुझे, मैंने कौन सी तुम्हारी बकरी चुराई थी जो खलके खुदा के साथ यूं मुझे फर्श पे दे मारा, और वो सगी तुम्हारी शाकरा उसको कैसे VIP बना के रखा हुआ है? तो रखो, मैं जा रही हूँ। देख लो हाला जी, देख लो इनू, बचपन से तुम्हारा तो यही काम है कि शादियों पर तुम जो है ना कोई पुआड़ा डालती हो, लड़ाइयाँ डालती हो। अब अगर वो जल्दी आ गई है और आके उसने कमरा मान लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब के लिए होटलों के कमरे बुक करवाऊँ अब मैं? मुद्दा शाकरा पे ना डालो रजिया बाजी, उससे मुझे कोई गिला नहीं है, शिकायत तो तुमसे है। अरे खुद सो जाती ना यहाँ फर्श पे, मुझे अपना कमरा दे देती, मैं भी सुकून से सो जाती। हमारे खाने वाल में तो भाई ऐसा ही होता है, क्यों पप्पो? अपनी मासी दी जरा बड़का चेक करे ना, तुम ही गई थी ना मेरे साथ इसकी शादी पर, इन लोगों ने हमें मच्छरों के झुरमट में सुलाया था। हम माँ बेटियां वापस आई हैं तो उसको मलेरिया हुआ था और मुझ में खून की कमी थी। सोन ले अपनी मासी दिया फड़ा। खाला, अम्मी की तो आदत है मजाक करने, अब खुशी के मौके पे आई है ना तो वलीमे की रोटी खाए बगैर मैंने नहीं जाने दे। अच्छा जी, यानी कि अभी मजीद मुझे कुछ दिन और ना यहाँ मट्टी पे लौटना पड़ेगा। चलो अब्दुल गनी, चलो उठ। नींद शुक्रिये, बस कर दे हुन। इतना मोटा तो कलीन है, उसके ऊपर हमने तुम्हें नरमा मुलायम गद्दा डाल कर दिया है, और क्या कर लें हैं? बस कर दे। खाला देखा कितना मजाक करने की आदत है मेरी अम्मी को। आप ना आज फजीलत के कमरे में सो जाना, वो बाहर सो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। अम्मी बाहर ना जहेज का ट्रक आ गया है। हाय अल्लाह रजिया बाजी, अल्लाह जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। देखो मैं रुक गई, मेरी किस्मत में है ना दुल्हन का जहेज देखना लिखा है ना। ये ट्रक भर भर के जहेज आया होगा। अकलौती है ना अपने घर की, और अकलौते लड़के से ब्याह हो रहा है। बड़ी टोर है तुम्हारी रजिया बाजी। आज आके शाकरान उठानू क्या उठ मर जाए, बाहर ट्रक का है नहीं। तुरो तुरो जय करो, चलो चलो जहेज देखने चलते हैं। कंडीशन आउट हो जाएगी ना, चलो शुरू से करो। 1 2 3 वेरी गुड। ना हाँ ये अच्छा लगा, बिल्कुल ट्रेंड ले सकते। परफेक्ट, वेरी नाइस, अच्छा लगेगा ये। अब इसके बगैर चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड, ये अच्छा लगेगा ना। हाँ वेरी नाइस। यार एक मिनट, वापस करते किसने? उन्होंने जहेज का हमारा ट्रक वापस कर दिया। तुम बात करो हमारी मुराद से। ठीक है, वापस आ जाओ तुम। हम कह रहे हैं तुम वापस आ जाओ, हम खुद करेंगे इनसे बात, निपट लेंगे इनसे। तो किसी बात की ठीक है भाई, क्या इस वक्त बात मत कर रहे उनसे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैं हैंडल कर लेता हूं। हमारा जहेज का भेजा ट्रक वापस कर दिया उन्होंने, मैं करता हूँ। भाभी क्या हुआ है, ठीक क्यों नहीं था? कुछ नहीं, वो आदर हैंडल कर रहा है। हाँ लेकिन मुराद का नाम क्यों ले रहे हैं? वो मुराद की अम्मा को जहेज पसंद नहीं आया। पता नहीं कोई कमी रह गई है, शी सेज इट्स इनकम्प्लीट, ट्रक वापस भिजवा दिया। क्या मुराद ने रोका नहीं उन्हें? वो मैं भैया की दवाई। रिलैक्स करो, अंदर चलो। भैया ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं है, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। आदिल तुम्हें क्या लग रहा है हम होशो हवास खो बैठे अपने? और वो लड़के वाले जो उसका दिल चाहे वो करें, कोई पूछने वाला नहीं उन्हें। अरे मन्नत ताकत है हमारी, हम उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देंगे। साफ बात करेंगे और सीधी बात करेंगे, अभी और इसी वक्त। ब्लड प्रेशर कितना है? 150/100। भैया प्लीज मेडिसिन। भैया, बात को समझने की कोशिश करें। फैसला कर लिया हमने, उस लालची बुढ़िया के बेटे से नहीं बहाएंगे अपनी मन्नत को। अरे तुम लोग क्या जानो, मन्नत तो खुद राजी नहीं थी इस रिश्ते से, हमारी वजह से हाँ की उसने, और जुल्म किया हमने उस पर। आज एहसास हो रहा है कि सजा मिल रही है उस जुल्म की, और मजीद जुल्म नहीं होने देंगे उस पर। ठीक है, अभी जाकर बात करता हूं उनसे। भैया आप ऐसा नहीं करेंगे, मन्नत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकेगी मन्नत? क्या हो गया तुम्हें? नहीं भाई, मन्नत को क्या समझ रखा है तुमने आदिल? अनमोल है वो, रिश्तों की कमी नहीं है उसे, और आम लड़की नहीं है हमारी मन्नत। आम लड़की है मन्नत, आम लड़की है। और हम उसे रुखसत कर रहे हैं, वो अपने घर की होने वाली है, हमारी मर्जी से, अपनी खुशी से। शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं भैया, इस स्टेज पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मन्नत का होगा, मुराद का कुछ नहीं जाएगा। होशमंदी इसी में है कि हम बात का बतंगड़ ना बनाए। वैसे भैया उन्होंने ज्यादा चीजें नहीं मांगी, शायद हमसे थोड़ी कमी रह गई थी। आप फिक्र न करें, मैं और आदिल आज ही जाके सब कुछ खरीद लेंगे। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि बगैर सोचे समझे हम उनके सारे मुतालबे मान लें, बस शादी खैर खैरियत से हो जाए, उसके बाद मिल बैठ के सलाह मशवरे से सब तय कर लेंगे। लड़ाई झगड़ा हर मसले का हल नहीं होता भैया, हम बेटी वाले हैं, मन्नत के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा हमें। आदिल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये टाइम नहीं है ऐसी बातें करने का। अगर हमें कोई डाउट था तो पहले से पता करा लेते। आज जब जहेज का ट्रक वापस आया तो सबिया तुम बता रही हो कि कुछ कमी रह गई है। इस सब के बाद हद हो गई। मन्नत अगर तुम्हें लगता है कि मुराद अपनी अम्मी के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा तो ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम्हें अपने राइट्स के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। और ये चीज ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। यू हैव टू डील इट वेरी पेशेंटली। अम्मी आप ट्रक वापस भेजने से पहले एक बार मशवरा तो कर लेते। किधर का लंदी मशवरा में है? मुझसे नहीं, हम सबसे मेरा मतलब है कि अपनी सारी बेटियों से वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे वो लोग। सोचने जो उन्होंने सोचना है सौ दफा सोचे, उनको खुद ख्याल नहीं आती है। खाली खुली कमरे का फर्नीचर भेज दिया है। तुम्हारी मासी ने अभी इतना मेरा मजाक उड़ाया है कि क्या तुम बहू अपनी यतीम खाने से लेकर आ रही हो। अच्छी तरह जानते हैं वो हमारा इतना बड़ा घर है, ऊपर वाला पोर्शन तो खाली पड़ा हुआ है। तो जब अपनी बेटी से वो यहाँ मिलने के लिए आएंगे तो क्या इन सोफों पे बैठेंगे, फटे पुराने सोफों पर। जब तुम पैदा हुए थे मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि जब भी तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी दुल्हन ही नया डाइनिंग टेबल लेकर आएगी इस घर में। रजिया मैंने टीवी वेख्या सी, इन्ना छोटा जिन्ना मैं ते समझी सास वड्डी 60 इंच वाली टीवी लेके आएगी। कल करो जरा। वैसे अम्मी ट्रक वापस भिजवाने के बजाय अगर हम मन्नत से कह के बाद में मंगवा लेते सामान तो अच्छा था ना। मतलब घर आया सामान तो नहीं वापस भिजवाना चाहिए था। बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रहा था। और तो हम अनुमतियां देनी है हैं? रजिया सुल्ताना ने आज तक सिर्फ वही किया है जो उसके दिल ने कहा है। मैंने कभी किसी से मशवरे नहीं लिए हैं और तुम लोगों से लूंगी मैं भला। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कहीं मामला ना बिगड़ जाए। नहीं बिगड़ता मामला शामला कोई भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नीयत ठीक है, हम हक पर हैं, जीत हमारी ही होनी है। तुम देख लेना शादी भी होगी, दुल्हन भी आएगी और सारे घर का नया फर्नीचर भी आएगा इंशाल्लाह ताला। रजिया नाले 60 इंच वाला टीवी बट्टा इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा बैठ जा। अम्मी खुशाब से जमीला खाला आई है। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैरी सल्ला मेरी मासी आई रे। आ गई है, खा लो फिर नहीं कुछ लबना। मन्नत को क्या समझ रखा है तुमने आदे? अनमोल है वो, रिश्तों की कमी नहीं है उसे, और आम लड़की नहीं है हमारी मन्नत। आम लड़की है मन्नत। मारो डाल के मारो। पूछो ना मेरे दिल से, क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे, बेहाल है उसकी एक है ना। मुराद जी आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। तो क्या नहीं होना चाहिए जी, अम्मी ने रिश्तेदारों की बातों में आके मन्नत का सारा जहेज वापस भिजवा दिया। कौन से जाहिल रिश्तेदार बुला लिए। आज क्यों रही हो, कोई लतीफा सुनाया मैंने। अपने दांत अंदर करो। मैं आप पे तो नहीं हंस रही मुराद जी, मैं तो जहेज पे हंस रही हूँ। भला इतने थोड़े से सामान को कोई जहेज कहता है क्या। तो आपको क्या लगता है सितारा जी, उन लोगों को मेरे नाम रियासती अमेरिका कर देनी चाहिए थी। और नहीं जी, रैरो के मुल्क को अपने नाम क्यों लगवाना, वो बेचारे कहाँ जाएंगे किधर रहेंगे। देखिए मुराद जी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके ससुराल वालों ने ना बहुत थोड़ा सामान भिजवाया है। उनको ना कम से कम 50 बिस्तर, 25 मंजियां, टीवी, फ्रिज, AC, वाटर कूलर और बाल्टियों का सेट और वजू का लोटा, ये सब तो कुछ भिजवाया ही नहीं उन्होंने। ये गाँव नहीं है शहर है, और शहर के पढ़े लिखे लोग इन खुराफात पर बिलीव नहीं करते। शादी तो फिर शादी होती है ना, गांव की हो या फिर शहर की। अगर मेरी शादी आपके साथ हुई होती ना तो सामान के साथ साथ 2 मुरब्बे भी आपके नाम होते। सितारा मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रही थी। और मैं मिसाल के तौर पर भी ऐसी खौफनाक बात नहीं सोच सकता। खौफनाक जेस को कहा या फिर मुझे। मन्नत, सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। लिस्ट पे जो कुछ भी था हमने खरीद लिया है। अब बारों तक उन्हें इश्यू होगा। तुम वो ठीक कर लो, सारा सामान लोड होके उनके घर पहुंच जाएगा। तुम्हारे भाइयों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। भाभी ये बात नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से आप लोगों पर कितना बोझ पड़ गया है। अरे पागल तो नहीं हो गई तुम? बेटियां कभी बोझ होती हैं? ऐसी बातें नहीं करती। अच्छा चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स आने वाली है। साथ जरा पीजे पार्टी की अरेंजमेंट्स चेक करते। सही बात है, सारी अरेंजमेंट्स आप मुझसे करा लें, और ये इसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। स्टॉप सल्किंग, ऑफ विद यू, चलो चलो। मुराद मुझे कॉल कर रहा था, उसका फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? नहीं करूंगी मैं उस झूठे और बुज़दिल इंसान से बात। शादी के बाद भी नहीं करोगी? भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा, everything will be fine, don't worry, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। मेरी बात सुनो, it's a big day, उस पर रोते थोड़ी है, सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। तैयार हो जाओ, फ्रेंड्स भी आने वाली हैं, रोते थोड़ी है ना। भाभी क्या सॉल्व होगा, एक के बाद एक नई परेशानी आ जाती है। हम है ना मसला ठीक करने के लिए यहाँ पे। You just look pretty. This is for you. Thank you. देखो, फर्नीचर सामान के साथ साथ कैंडी भी मिल रही है। बताओ पापा को हमने कैसी चीजें खरीदी उनके लिए। No words. बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। See, nothing to worry about. Now get up. चल। मैं उठती हूँ तो यहाँ। पिक्चर के लिए बुलाया। मन्नत, आप पिक्चर लेते हैं। यार मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा ना, आ जाओ फौरन आ जाओ। अरे यार इसकी कॉल क्यों आ रही है, डिस्कनेक्ट कर दो। फिर आ रही है, इसको चैन नहीं आएगा तुमसे बात किए बगैर। हेलो यार, ये मन्नत कॉल क्यों नहीं उठा रही? मुराद कब से उसे कॉल्स कर रहा है। मन्नत को फोन दो। मन्नत तुमसे बात करनी है। अथर ने मुझसे बात करनी है। हाँ, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। हेलो, आई लव यू मन्नत। ओ तुम अभी मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं फ्रेंड्स के साथ। या मन्नत एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज, फोन बंद मत कर। तुम लोग क्या सुन रहे हो, अपना अपना काम करो। लेट इट ऑफ। जहेज में कोई कमी बाकी रह गई थी जिसकी फरमाइश अब तुमने करनी है। अगर है कुछ तो बता दो, मैं बड़े भैया को बता दूंगी, वो भिजवा देंगे। मन्नत इतना गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती यार। और वो अच्छी बात है जो तुम्हारी अम्मी ने की है। मुराद, किसी लड़की का जहेज वापस कर देने का मतलब तुम जानते हो। मन्नत ये हकीकत नहीं है, अल्लाह की कसम। मुराद Stop defending your family here. मैं फोन बंद कर रही हूँ। यार एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज, एक दफा मेरी पूरी बात तो सुन लो। बोलो। यार अम्मी बेचारी का जहेज से कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारे रिश्तेदारों ने ताने मार रहे थे और तुम्हारे घर पर और तुम्हारे भाई के कारोबार पर ना उंगलियां उठा रहे थे। और वो फिर प्रेशर में आकर उन्होंने जहेज वापस भिजवा दी। उसके बाद वो इतनी परेशान हो गई थी कि वो अतर को बार बार कह रही थी कि मन्नत के घर ले चलो, मैं जाके उनसे माफी मांगती हूँ। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यार। अब उनकी एज देखो, वो इस उम्र में बहू के घर जाके माफी मांगती अच्छी लगेंगी। तुम प्लीज अपना दिल साफ कर लो यार, वरना मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अम्मी के साथ आ जाऊंगा हाथ जोड़ने के लिए। फिर तुम्हारी दोस्त जो मर्जी समझती रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे एक दफा माफ कर दो प्लीज, गलती हो गई ना। ठीक है मैंने माफ किया, मगर दोबारा अगर आइंदा चौधरीयों के साथ पुश्तों की भी तौबा, अगर ऐसी को हरकत की तो। अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ, बार बार फोन करके मुझे तंग ना करो। नहीं करूँगा, अल्लाह की कसम। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, मेरे लिए यही बात। बाय। Come on, Saad, ये final take है, please you have to do this perfectly this time. हाँ, सारी मेरी गलती है ना। Okay, हम शुरू करें। चलें भाई, सब arrange हो जाएं जैसे हमने किया था। Okay, you ready? Okay, perfect. So 5, 6, 7, 8. ओ सोनी, ओ रज के सोनी, जिस दा मैं दीवाना, वो एक लाट हुसन दी, जिस दा हर कोई परवाना आ। हुस्न तेरे तो सोहणिए नी अज कोई भी बचदा नहीं, कोई भी बचदा नहीं। सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। अखां च सुरमा हाय सानू भुल गया टुरना हाय, लोकां तो नहीं मैं संगदा पर तेरे कोलों शाये। अखां च सुरमा हाय सानू भुल गया टुरना हाय, लोकां तो नहीं मैं संगदा पर तेरे कोलों शाये। लाउड स्पीकर वांगो दिल मेरा धक धक वजदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। हो सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। फिर देनू मैनू हो गए जमाने नी, अज हो जा मेरी तू बंद करे ड्रामे नी। तेरे पीछे फिर देनू मैनू हो गए जमाने नी, अज हो जा मेरी तू बंद करे ड्रामे नी। कवे मुड़ जा किते टुर जा तेरे बाजों सा मैनू तेनू नाल ही लैके वेख के तेनू सोहणिए बच्चा बच्चा नचदा नी। हो अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ सोहणे मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। जाती है मैं दीवाना। आँखों की खामोशियाँ मैं खो गया इनमें कहीं, इस जग के समय से परे तारों सिए झिलमिल लगे तेरी आँखों की खामोशियाँ। Mendini, Mendi, Mendini, Mendi, Mendini, Mendi, Mendini, Mendi, आज लगे लावर आया रे, मैं आधे पर जाया। Mendini, Mendi, Mendini, Mendi, Mendini, Mendi। मथे दे चमकन वार, मथे दे चमकन वार, तेरे चमचन वार मेरे बनने दे, मथे दे चमचन वार मेरे बनने दे। लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? मेहमान आ गए, रिसीव नहीं करना उन्हें। इस किस्म के लोग हैं हमें तो मेहमान कम और नौटंकी के फनकार ज्यादा लग रहे हैं। तुम्हारा मुराद देखो, अच्छा खासा माकूल आदमी और फैमिली तो रंग बरंग अजीबो गरीब। देखो अब जैसे भी हैं हमारे मेहमान हैं, मुराद के घर वाले हमें उन्हें इज्जत तो देनी होगी, आखिर मन्नत के ससुराल का मामला है। चले हाँ चले चले चले। लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी, मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनड़े दे। आया नी आया बेना मेहंदी लेके, आया नी आया बेना मेहंदी लेके, पहना नु किन्ने ने ख्याल मेरे बनड़े दे, पहना नु किन्ने ने ख्याल मेरे बनड़े दे। मथे दे चमकन वाल मेरे बनड़े दे, मथे दे चमकन वाल मेरे बनड़े दे। क्या हुआ है? बुत बन के क्यों खड़ी हो? तुरंत देख के तो ना मेरी सारी खुशी खत्म ही हो गई है जैसे। क्यों? इतनी फजूल लड़की पसंद की है तुम लोगों ने मुराद के लिए। हमारी बरादरी में तो एक से एक लड़की मौजूद थी, फिर वहीं से किसी को पसंद करके ले आते ना। वो बरादरी में करानी नहीं थी ना, तभी तो बाहर से लेकर आए। कितनी हसीन लग रही है मन्नत भाभी, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमल।